प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये सेक्शन पार्ट थ्री के ए सेक्शन से रिलेटेड है। उसमें हमने एक्सपेंडेड मेथड सीखा था और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शॉर्ट मेथड की मदद से किसी भी नंबर को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कि शॉर्ट मेथड क्या है। हमारे सामने एक बाइनरी में नंबर है, इसे हम डेसिमल में शॉर्ट मेथड की मदद से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। इस वन को हम 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 2 पावर 1 से, 2 पावर 2 से, 2 पावर 3 से और 2 पावर 4 से। तो इस तरीके से हमें पता है कि ये 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम 1 लिख सकते हैं और ये 2 के इक्वल हो सकता है, ये 4 के इक्वल होता है, ये 8 के इक्वल होता है और ये 16 के इक्वल होता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि हम इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। +8 +4 +2 +1 इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे। 16 and 8 24 and 8 28 28 plus 2 30 and 1 31। तो इस तरीके से हमारा नंबर डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, यानी 11011 को 31 में कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, यानी हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। तो इस तरीके से हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम टेबल को मुकम्मल कर लेंगे। तरीका हमने बेस 2 में इस्तेमाल किया, वही तरीका बेस 5 में और बेस 8 में इस्तेमाल होता है। अब हम एक
बेस 5 के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास नंबर है 3, 4, 1, 2। इसका मतलब है कि हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये 1 यूनिट होता है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 पावर 1 है, ये 5 पावर 2 है और ये 5 पावर 3 है। लेकिन हमने क्योंकि शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 125 को, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 375। इसी तरह 105 और 2। इन सारे नंबर्स को प्लस करने से 482 आएगा, जो कि बेस 10 में है, यानी 482। तो हमारे पास जो नंबर बेस 5 में था 3, 4, 1, 2, वो कन्वर्ट हो गया है बेस 10 में, जो कि 482 है। बस एक नंबर है बेस 8 में, इसमें भी यही मेथड इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। और इसका बेस लिखने की ज़रूरत नहीं, फोर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी 8 पावर 1 से, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, यानी 8 पावर 2 से। इस तरीके से हमारे पास जो नंबर आएंगे 4, 1 ज़ार 4, 8, 6 ज़ार 48, 64 को मल्टीप्लाई करें, 4, 4, 8, इन सब नंबर्स को प्लस कर लें, 500। यानी अगर बेस 8 में 764 हो, तो बेस 10 में वो 500 के इक्वल होता है। ये था शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। अभी तक जो कुछ आपने सीखा है, इसे हम रीकैप करते हैं। हमारे पास बेस 10 में नंबर है, बेस 2 यानी बाइनरी सिस्टम में है, बेस 5 यानी पेंटा सिस्टम में है, और बेस 8 यानी ऑक्टा सिस्टम में एक नंबर है। तो बेस 10 में 9 की प्लेस वैल्यू 1 है, यूनिट है, इसलिए इसके बेस की पावर 0 होगी। 4 टेंथ प्लेस पे है, इसलिए इसकी पावर 1 होगी, और 9 हंड्रेड प्लेस पे है, इसलिए इसकी पावर 2 हो। तो 10 पावर 0 को हम 1 भी लिख सकते हैं, 10 पावर 1 को 10 लिख सकते हैं, और 10 पावर 2 को 100 लिख सकते हैं। तो जो नंबर हमारे पास बाइनरी में है, इसकी भी जो यूनिट प्लेस है, इसके बेस की पावर 0 होगी, नेक्स्ट डिजिट की के बेस की पावर 1 होगी, और इसी तरह 1 के बेस की पावर 2 होगी। तो यूनिट प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं,
दूसरे नंबर पे हम जीरो टू लिख सकते हैं और तीसरे नंबर पे हम फोर लिख सकते हैं। तो पेंटा सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरह ही लिखेंगे, यानी यूनिट प्लेस पे 5 पावर 0, फिर 5 पावर 1, फिर 5 पावर 2, यानी 1, फिर 5, फिर 25। इसी तरह बेस 8 में भी ऐसा ही करेंगे, यानी 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2। तो इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं, यानी 8 पावर 0 1 है, 8 पावर 1 8 है, और 8 पावर 2 64 है। अब हम 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 आएगा। इसलिए 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9। सब नंबर्स को प्लस करें 949। इसी तरह बाइनरी नंबर में भी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 0 से 0, और 1 को 1 से 1, तो 5 नंबर आएगा। पेंटा नंबर में भी 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2। इन सब नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो 97 आएगा। इसी तरह ऑक्टा नंबर में भी 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें 256, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5। इन सब को प्लस कर लें, तो 269। ये सारे नंबर्स अब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी 949, 5, 97 एंड 269। ये तमाम नंबर्स डेसिमल सिस्टम में हो गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। हमारा नेक्स्ट लेसन होगा हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन बाइनरी, पेंटा और ऑक्टा सिस्टम ऑफ नंबर्स, यानी डेसिमल के अलावा बाकी सिस्टम में कैसे माइनस करते हैं और कैसे ऐड करते हैं। तो आइंदा लेसन तक खुदा हाफिज़।